INDIA गठबंधन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अकाली दल को INDIA ने संपर्क किया है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। INDIA गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। INDIA फ्रंट की बैठक से पहले SAD को न्योता भेजा गया है। 31 अगस्त को और 1 सितंबर को गठबंधन की बैठक होनी है और उससे पहले ये जानकारी आ रही है कि INDIA गठबंधन की तरफ से अकाली दल से संपर्क साधा गया है, यानी कि INDIA का विस्तार करने की कोशिश अब लगातार गठबंधन कर रहा है और ये जानकारी आ रही है कि अकाली दल को संपर्क साधा गया है। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, INDIA गठबंधन को लगातार विस्तार की कोशिश की जा रही है, अकाली दल से संपर्क किया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मायावती जी से भी संपर्क साधा गया था, ये भी जानकारी थी। बिल्कुल, और नीतीश कुमार जो कि समन्वयक माने जाते हैं, जिनके इनिशिएटिव के ऊपर ये अलायंस गठित हो पाया है और इसकी अभी तक तो सुचारू गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले पटना के अंदर जब बयान दिया था तो इस बात का इशारा किया था कि कई घटक दल हैं जो NDA में हैं या फिर वो NDA के पूर्व सहयोगी रहे हैं, वो इस बैठक के अंदर, मुंबई की बैठक के अंदर हिस्सा होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पहली बैठक INDIA अलायंस की हुई थी तब करीबन 15 दल इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे जून महीने के अंदर, और फिर जो दूसरी बैठक हुई थी कर्नाटक में 17 और 18 जुलाई के दिन, उस समय जो घटक दलों की संख्या थी वो बढ़कर 26 हो गई थी। और अब एक जो बड़ा घटक दल है जो कृषि कानून के ऊपर NDA से अलग हो गया था, उस पर निगाह है INDIA अलायंस की, और ये माना जा रहा है, ये अकाली दल के गुट ने ही कंफर्म किया है कि उन्हें संपर्क साधा गया है और मुंबई की बैठक का उन्हें न्योता मिला है। और अगर अलायंस की अंदर जाते हैं सुखबीर सिंह बादल तो ये NDA के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। बेशक वो पूर्व सहयोगी रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे इस बात की भी संभावनाएं टटोली जाती रही हैं कि क्या वापस में अकालीज NDA का हिस्सा होने जा रहे हैं, लेकिन वो खबर पुख्ता हो पाती इससे पहले ये कंफर्मेशन आ गया है कि INDIA अलायंस ने संपर्क साधा है अकाली दल से और संभवतः मुंबई की बैठक में सुखबीर सिंह बादल या उनकी तरफ से नुमाइंदगी जताते हुए INDIA अलायंस का जो कुनबा है वो 26 से बढ़कर 27 हो सकता है, और यहां तक कि 27 ही नहीं बल्कि कुछ और भी क्षेत्रीय दल हैं जो इस बैठक का हिस्सा होने की संभावना जिनकी सामने आ रही है। महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर ये तीसरे दौर की बैठक है INDIA अलायंस की। इस बैठक के अंदर जो अलायंस का लोगो है वो अनवील किया जा सकता है, साथ ही साथ सीट शेयरिंग क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दलों की किस तरह से हो सकती है, जैसे कि कई जगहों पर ये देखने के लिए आया था कि INDIA अलायंस अनहॉली अलायंस है। सत्तारूढ़ BJP भी निशाना साध रहा था कि केरल में किस तरह से आप अलायंस करेंगे, पश्चिम बंगाल में आप TMC के साथ किस तरह से अलायंस करेंगे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से अलायंस करेंगे, तो इसकी रूपरेखा डिस्कस की जा सकती है इस बैठक के अंदर। और तीसरी महत्वपूर्ण जो इनपुट सामने अंदर कि एक कमेटी का गठन किया जा सकता है, 11 सदस्य उसके अंदर हो सकते हैं या 12 सदस्य उसके अंदर हो सकते हैं, जो एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका इन सभी दलों के साथ निभाएंगे। लिहाजा ये एक बड़े स्तर का जो अलायंस NDA के खिलाफ गठित करने की कोशिश थी वो और ज्यादा बड़ा होता हुआ जा रहा है, उसकी जो मैनेजमेंट थी वो और ज्यादा सुदृढ़ होती हुई जा रही है, लिहाजा सत्तारूढ़ दल के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। नहीं, अगर अकाली दल से संपर्क साधा जा रहा है, अगर अकाली दल आ जाता है तो जितने दल बढ़ते जाएंगे उतना विरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। देखिए, ये एक लाजमी सी बात है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि अकालियों का वहां पे कोई MP भी नहीं है, लिहाजा आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जब ये सुबह के वक्त खबर सामने आई है, अकाली दल गुट ने ही जब कंफर्मेशन दिया है, तो एक जो लाजमी सी प्रतिक्रिया है वो आनी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लोकसभा सीट शेयरिंग की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी के या तो सांसद हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सवाल उठा सकती है कि ऐसी पार्टी जिनका कोई सांसद नहीं है पंजाब के अंदर, उसको अलाय पार्टनर के तौर पर अगर
आप एकोमोडेट करते हैं और वो संभवतः आने वाले समय के अंदर सीट मांगता है तो उसको किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा, यही एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी जो है पकती हुई जब दिखाई देती है कि दिल्ली के भी नेता सवाल उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस दिल्ली के अंदर हो गया तो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अगर ये अलायंस होता है तो क्या विधानसभा के अंदर भी अलायंस होगा। बेशक औपचारिक तौर पर पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के साथ समन्वय को लेकर चुप्पी साधे रहे हो, लेकिन अजय माकन हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे पवन खेड़ा हो, वो गाहे बगाहे आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते ही आए हैं। कर्नाटक के मिनिस्टर ने जब मोहल्ला क्लिनिक का विजिट किया था तो उन्होंने भी कटाक्ष किया था व्यवस्था के ऊपर। ऐसे में बहुत रिस्क फैक्टर इस अलायंस के ऊपर तो है ही, आम आदमी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर ये पुख्ता जानकारी है तो आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।